राम राम साय, मंजूस किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको मफिन बनाना बताऊंगी, बच्चों को बहुत पसंद आता है इस रेसिपी। तो चलो शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है। पचास ग्राम मैंने तेल लिया है, तेल सरसों का नहीं लेना है और कोई भी तेल ले सकते हो। 100 ग्राम मैंने पिसी हुई चीनी ली है। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मैंने घर पे पीस के पाउडर बनाया है बड़ी वाली चीनी का। आप बड़ी वाली चीनी घर पे पीस के पाउडर बना सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स करना है, 2-3 मिनट लगेगी। खास खास चीज़ों को ध्यान रखोगे तो मफिन अच्छे बनेंगे। 50 ग्राम मैंने कंडेंस मिल्क डाला है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। डेढ़ सौ ग्राम मैंने मैदा लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। 1 बड़ा चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। एक छोटा चम्मच मैंने मीठा सोडा लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये मैंने दूध लिया है, दूध को मैंने नींबू से फाड़ के लिया है। आधा नींबू का रस डाला छान के, 2 मिनट के लिए रख दिया था। अब इसमें मिक्स कर देती हूँ। अच्छे से मिक्स करना है। गुठलियाँ नहीं रहे, इसको 4-5 मिनट तक लगातार मिक्स करना है अच्छे से। दस से 12 बूंद में वनीला एसेंस डाल रही हूँ, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा, खाने में टेस्ट लगेगा। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इस तरीके का बैटर होना चाहिए। बैटर बन के तैयार हो गया है। मैंने मफिन ट्रे ली है, इसमें घी से ग्रीस कर देते हैं, चिपकेगा नहीं, मफिन अच्छी तरह से निकलेगा, निकलने में आसानी होगी। अब इसमें मफिन पेपर कप लगा देते हैं। समय लगा दिया है, इसमें घी लगा देते हैं तो निकलने में आसानी होगी। एक बड़ा चम्मच मैंने टूटी फ्रूटी ली है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसमें डाल देते हैं, भर के नहीं डालना है, कप को आधा कप ही रखना है। फूल करके ओवन में रख दिया है मैंने 13 मिनट के लिए।
13 मिनट हो गया है, अब पिन अच्छे से बन गया है। निकाल के दिखा देती हूँ, आधे आधे कप डाले थे, फूल करके अच्छे बन गए थे। मैंने व्हिप्ड क्रीम ली है, थोड़ा इसको सजा देते हैं। व्हिप्ड क्रीम के अंदर मैंने पिंक फूड कलर लिया है, तो इसका कलर पिंक है। मैंने पिंक कलर लिया है, आप रेड भी ले सकते हो, कोई भी कलर पसंद के हिसाब से ले सकते हो। सारे मफिन मैंने इस तरीके से तैयार कर लिया है, मफिन बनकर के तैयार हो गया है। डेकोरेट कर देते हैं। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।